मत फेंकना। गाय नहीं करने का। मगर छेड़ो हाँ? चलो मेरे साथ जल्दी। अरे अरे अच्छे खा रहे थे। और देखिए सर क्या कर रहे हो तुम? अरे जरा मालिश करा रहे थे। अरे मालिश को गोली मारो। इधर आओ रमाया। यस सर। जल्दी नीचे आओ। यस सर। वहाँ से नहीं ये। कनरपुरी क्या हुआ गुरुंग? चिल्ला क्यों रहे हो? क्या बात है? गांव के पीछे वाली पहाड़ी पर मैंने डाकुओं को देखा है। डाकू आ गए। अच्छा मौका है। अच्छा हम उन्हें जिंदा पकड़ सकते हैं। जिंदा? लेकिन हम लोग के पास तो भी हथियार। अरे जितने हैं उतने ही ठीक है। चलो जल्दी करो। क्या मुसीबत है? क्या कहा आपने? नहीं मैंने कहा अभी खाना वाना खाया है चलते हैं। चलो टाइम नहीं है हमारे पास जल्दी कीजिए। मैं कर रहा था सर। क्या कह रहे थे तुम? मैं कुछ नहीं। चलो चलो जिगर कुत्ता नहीं चाहिए। वापस चले? चले दुश्मन उस पहाड़ी के पीछे है। उसके पास तुम लोग साए की तरह मेरे साथ साथ रहना। कोई हल्ला नहीं करना। यह हमला अचानक होगा और जब मैं पहली गोली चलाऊं तो मुझे कवर करने के लिए तुम लोग गोलियों की बौछार कर देना। कम से कम एक डाकू। आई रिपीट एक डाकू हमें जिंदा पकड़ना है और जब तक पहली गोली नहीं चले कोई आवाज नहीं करेगा। क्या हुआ? चुप। चीटियां काट रही हैं। अरे तो क्या हुआ? अरे लाल चीटियां है ना अंदर चल रही हैं, काट रही हैं अंदर को। कोई शक कोई सवाल करना पड़े। ठीक है तुम चलो हम कर लेंगे। चलो लेट्स गो। बैड शॉट। निशाना घोड़े पे लगाया था। डाकू को जिंदा पकड़ना चाहता था। अरे गुरुंग ने जहां से अटैक करने का प्लान बनाया था वो जगह ही गलत थी। हम तो लगातार फायरिंग कर रहे थे लेकिन वो रेंज से बाहर थे। अगर मैंने प्लान बनाया होता ना तो तीन चार तो यहाँ बंदे पड़े होते और उन तीन चारों को छुड़ाने के लिए जागीरा इधर आता। हम जागीरा को पकड़ लेते। मिशन ओवर है ना सर? बिल्कुल। वैसे आज दोपहर को ने मुहूर्त अच्छा नहीं था वरना क्या मजा लूँ हमारे हाथ से छूटते। नो चांस। बिल्कुल लकी थे सर वो। जैसे ही फायरिंग शुरू हुई ना भाग गए साले। जिगर होता तो झपट लेता। गुड लक अच्छा चल रहा था उनका। झूठ बोल रहे हैं ये सब। कौन देखा कौन बोला? एक छोटा सा ठीला नहीं चढ़ सकते ये लोग। बूढ़ी औरत की तरह हाँपते रहते हैं। इन लोगों के ढीलेपन की वजह से आज मेरी जान जाने वाली थी। इन सब के लिए कुछ करना पड़ेगा सर। तुम्हारे ख्याल से क्या करना चाहिए गुरु? ग्राउंड पे कल सुबह 6:30 बजे सर। क्या 6:30? 5:30 बजे। I want everybody in the morning. That's all. Right sir. एक-एक पत्थर से नीचे जंप करेगा। जंप। अरे चल ना डीके धरती के पांडे। कहना क्या चाहते हैं आप? तुम क्या कहना चाहते हो? चल चल गुइया डीके जल्दी करो। एक दो आराम से। क्या बात है डीके? बोल रहा है सर। बात बताइए भाई, इतनी दूर से हम लोग मिशन के लिए आए हैं। जगीरा को एक आध गोली
हम अभी मारेंगे कि ऐसे ही मार देंगे आप? भूल रहा है, पानी चाहिए, पानी पानी तो भाई जी से कोई पानी नहीं पिएगा। Under double, everybody! Once again, come on, move! Higher, Captain, higher! On, DJ! Come on, go down! Up! Down! Up! Down! अरे मेजर, मेजर साहब एक बात तो बताइए। अरे गोली चलाना तो हम सब जानते हैं ना। अरे फिर ये पहाड़ चढ़ना उतरना, ये सब ट्रेनिंग, ये ऊपर से नीचे कूदना, ये सब तो पहले कर चुके हम लोग। ये सब करने से ही जगीरा को मार सकते हैं क्या? ये ट्रेनिंग जगीरा को मारने के लिए नहीं, उससे बचने के लिए दी जा रही है। अरे पाँव टाइट पकड़। अरे अरे भैया ठीक से चल। वेरी नाइस, बहुत अच्छा बच्चा, शाबाश, कम ऑन। इधर से नहीं उधर से रे भैया, ओ फास्ट अप। अरे 28 29 30 टाइम हो गया सर, जल्दी चलते हैं। सर मैंने पता किया, भीमगढ़ में डाकू की बड़ी मूवमेंट है। और सर टाइम पे जाएंगे, जगीरा को पकड़ लेंगे सर। चलो उतरो नीचे। यस सर। ओ सर आप आगे बैठिए सर, मैं पीछे बैठूंगा। पीछे नहीं, अंदर। मैले कपड़े धोबी को दे देना, और बाजार तरकारी लेने जाओगे तो शकरकंदी और शलगम जरूर लेकर आना। शलगम और गोश्त खाने को बहुत दिल करता है। तुम्हें आवाज दे रहा है कृष्णकांत, मेरे साथ ऐसी बदतमीजी नहीं कर सकता। ए टकले कंडलपुरे, कमांड हिम्मत है तो बाहर आइए कंडलपुरे, ए सीरे कंडलपुरे, कमांड हिम्मत है तो बाहर आइए कंडलपुरे, ए सीरे कंडलपुरे, कमांड। ये आ गए। अरे साबूदाने की खिचड़ी हजम नहीं होती, शलगम गोश्त खाएंगे, क्या लगा रखा आपने? किचन में जाओ, सब्जी लाओ, तरकारी लाओ। अरे सब्जी तरकारी लाने की उम्र आपकी है, मेरी नहीं। मैं लड़ने आऊं। अगेन फाइट। क्यों ओ छोड़ गए क्या संध्या? अरे तू किन लोगों को लाए जगीरा को पकड़ने के लिए? अरे कुछ नहीं कर सकते ये लोग, ये लोग तो खाना कम दवाइयां ज्यादा खाते हैं। जगीरा को पकड़ेंगे? अरे ये रिटायर्ड फौजी तो इनाम के लालच में यहाँ आए, लेकिन मैं अपनी जवानी दांव पर लगा कर आया हूँ जगीरा को पकड़ने के लिए। जब से होश संभाला तब से ही सुनता आ रहा हूं, वो जरा डरपोक बाप का बेटा, वो जरा भगोड़े का बेटा, दोस्त भी मजाक उड़ाते थे, रोती रहती थी कोने में, शर्म से बाहर नहीं निकलती थी, घर बदला, शहर बदला, अपने बाप का नाम लेना छोड़ दिया मैंने। सोचा था कुछ करके दिखाऊंगा, माँ के आंसू पोंछूंगा, आप लोग तो कुछ करने ही नहीं देते हैं, हमेशा टीम से बाहर निकाल देते मेरे को। अरे नहीं चाहिए मुझे आपकी टीम, बाहर में गई तुम्हारी टीम, मैं अकेला ही जगीरा को पकड़ूंगा। हाँ अकेला, और तुम्हारा मिशन चाहिए। अब जा रहा हूं मैं जगीरा को पकड़ने के लिए। आ, 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 आ,